तो देखो भाई, ये टियागो में DRL इंस्टॉल हो रही है, तो इम्पोर्टेड DRL है, तो अभी भैया इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं इसका आउटपुट दिखाने वाला हूँ किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है। तो एक बार इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने तो फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ डिजिटल कार श्रृंगार, जैसे देख रहे हो धर्मिंदर भैया। भैया हेलो कर दो, और कार के ओनर भी हैं भैया, आप भी हेलो कर दो एक बार। तो आज आइए टियागो अपने पास। कहाँ से आए भैया आप? मैं राजस्थान सीकर। तो राजस्थान से आए भैया स्पेशल डिजिटल कार श्रृंगार में। भैया आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे देखा था वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो इसी शॉप का। इसी का किसका देखा था? आपका। तो देखो सब्सक्राइबर है मेरे, वीडियो देख के आए हैं भैया। उस हिसाब से बढ़िया काम, चलो ठीक है। तो भैया की गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका लगभग, तो भी एक बार पूरा मैं आपको काम दिखाता हूँ, फिर भैया के पास आऊँगा, पूरा फीडबैक कंप्लीट दूंगा। जितना मैं पेट्रोल चला के यहाँ आया हूँ ना, उससे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिल गया। चलो मतलब पैसे वसूल हो गए। चलो चलो पैसे वसूल हो गए भैया के, सबसे अच्छी बात है भैया। तो चलो भाइयों, तो अब मैं अब चलता हूँ गाड़ी की तरफ। भैया की गाड़ी आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रखा है, फिर हम आएंगे भैया के पास भी आएंगे, ओनर के पास जाएंगे, क्या खर्चा वगैरह पूरी बात करेंगे। तो चलिए अभी पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो भाइयों जैसे आप ये देख लो, यहाँ DRL इंस्टॉल हो चुकी है और वहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। तो एक बार ये काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको इसका दिखाने वाला लुक कैसे रहना, उसके बाद पहले मैं आपको फंक्शन दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको इसका लुक कैसे रहने वाला है, क्योंकि DRL काफ़ी अच्छा रहता है गाड़ी में, लुक एनहेंस हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस टाइप का लुक हो जाएगा गाड़ी का। तो भाइयों जैसे देख रहे हो, अपना टियागो में DRL का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है और फंक्शनिंग भी आप देख पा रहे होगे। तो उस साइड का भी इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट, तो वायर का कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं भैया। तो एक बार हो जाए तो मैं आपको पूरा टोटल ओवरऑल लुक दिखाने वाला हूँ। तो अभी अपना पार्किंग लाइट जल रहा है, अब इसमें इंडिकेटर वगैरह भी जला के दिखाएंगे। तो इसमें डबल लाइट होती है, जैसे आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा। बाकी एक बार इसका पूरा फंक्शनिंग मैं आपको दिखाऊँगा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने पर, और क्या लुक रहने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो काफ़ी आजकल ये ट्रेंडिंग है और गाड़ी का लुक काफ़ी एनहांस हो जाता है इससे DRL से। तो देखो भाई, ये देखो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ इंडिकेटर। तो DRL में मेरे को सबसे खास बात लगती है जो इंडिकेटर है, बड़ा स्मूथली देखो ये मूवमेंट होता है इसका, तो ये चीज़ बहुत खास लगती है, जो कि गाड़ी की लुक को काफ़ी खास बनाती है और लुक को एनहांस कर देती है। तो जैसे मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग दिखा दी है, अब एक बार ओवरऑल क्या लुक रहने वाला है, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए इसका कम्प्लीट, तो गाड़ी का बोनट है बंद हो जाए, तो फिर मैं आपको लुक दिखाने वाला हूँ इससे गाड़ी का लुक किस टाइप का हो जाता है और क्या लुक रहने वाला है। तो भाई ये देखो, जैसे इंस्टॉलेशन होगी कम्प्लीट तो सिर्फ DRL से ही लुक कितनी एनहांस होगी आगे की, जैसे आप देख पा रहे होगे। तो अभी एक बार ये इसका बंद कर दें, बोनट बंद कर दें, तो एक बार गाड़ी का लुक मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप का लुक रहने वाला है। तो भाइयों अब ये देखो, सिर्फ DRL लगाने से गाड़ी का लुक आप जैसे देख पा रहे होगे काफ़ी एनहांस हो गया है। तो अभी मैं इसका इंडिकेटर भी चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो, तो अभी सिर्फ DRL इंस्टॉल हुआ है आगे, तो उसकी वजह से देखो खाली गाड़ी का फ्रंट का लुक कितना एनहांस हो गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप गाड़ी में DRL इंस्टॉल कराओ, क्योंकि गाड़ी का लुक इससे काफ़ी चेंज हो जाता है जैसे आप देख पा रहे होगे। तो अभी बाकी अंदर भी काफ़ी काम हुआ है गाड़ी का, अभी अंदर भी चलेंगे आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या काम हो रखा है गाड़ी का, ओवरऑल फिर मैं आपको पूरी 360 डिग्री लुक भी दिखाऊंगा। अवेलेबल रहते हैं ये यहाँ पे, और कोई आपका कोई भी गाड़ी उसमें लग जाते हैं। तो बाकी अभी हम साइड पे भी चलते हैं, साइड पे गाड़ी पे काम हो रखा है। तो जैसे आप देख लो गाड़ी पे, यहाँ पे क्रोम वगैरह, क्रोम हैंडल का भी काम हो रखा है, और इधर साइड पे विंडो क्रोम वगैरह हो रखा है। तो आप ये भी लुक देख लो, काफ़ी बढ़िया वॉइज़र लगा रखे हैं, विद क्रोम वॉइज़र लगा रखे हैं। और भैया को गाड़ी का काम इतना अच्छा लगा है, भैया कह रहे हैं मैं तो गाड़ी में बैठूंगा अब। तो भैया मज़ा आ गया काम का? चलो बढ़िया है भैया। तो अब एक बार लुक चेक करो गाड़ी का, ये देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप हैंडल पे क्रोम लगवा रहे हो तो यहाँ क्रोम जरूर लगाओ, क्योंकि एक लुक बन जाती है गाड़ी की, एक जेन्युइन लुक आ जाती है। तो अगर आप हैंडल क्रोम लगवा रहे हो तो यहाँ पे भी क्रोम लगाओ, अगर आप खाली हैंडल क्रोम लगवा रहे हो यहाँ पे क्रोम, तो थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट लगता है। तो बाकी इन्होंने यहाँ पे भी क्रोम लगवा लिया और क्रोम वॉइज़र लगवा लिए, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, क्रोम वॉइज़र इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं यहाँ पे डिजिटल कार श्रृंगार पे। तो अब एक बार ये देखो, काफ़ी बढ़िया लुक हो रही है, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ गाड़ी की लुक किस टाइप की रहने वाली है। तो गाइस ये लुक देखो गाड़ी की, तो सिंपल सी ये गाड़ी थी इनकी, ये BS4 मॉडल था, बेस मॉडल था गाड़ी का, जो कि इन्होंने काफ़ी मॉडिफाई अच्छे तरह से डिसेंट मॉडिफिकेशन हो रखी है, कोई ओवर काम नहीं, पर गाड़ी की लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बाकी अभी हम पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे की तरफ कुछ इन्होंने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है। हाँ यहाँ पे कैमरा जरूर इंस्टॉल कराया उन्होंने, क्योंकि अंदर एंड्रॉयड वगैरह लगा चुका है, लगवाए इन्होंने, एंड्रॉयड लगवाया अंदर इंस्टॉल कराए, तो उसकी भी फंक्शनिंग मैं दिखाऊंगा। बाकी म्यूज़िक काफ़ी बढ़िया करवा रखा है गाड़ी का, भी बेस ट्यूब वगैरह सब डाला हुआ है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये देखो, ये नाइट विजन कैमरा जैसे आप देख पा रहे होगे,
ये देखो साइड में LED लाइट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। आपने मेरे बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है नाइट विजन कैमरा का। और ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड इंस्टॉल करवा रहे हो तो कुछ ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं पड़ता, मतलब नॉमिनल कॉस्ट है इसकी, और एक एडिशनल फीचर मिल जाता है आपकी गाड़ी को, और काफ़ी इसका बेनिफिशियल रहता है, बेनिफिट रहता है। तो गाइस हम थोड़ा इस साइड आ गए, तो आप ये देखो क्रोम हैंडल वगैरह लगा रखा है गाड़ी पे, तो काफ़ी अच्छी लुक रहती है इससे। यहाँ भी आप देख पा रहे होगे, तो गाइस आप एक लुक चेकआउट करो, ये देखो आप, तो काफ़ी बढ़िया लुक रहती है इससे गाड़ी की। एक क्रोम से और क्रोम वाइजर भी इंस्टॉल करा रखे, जैसे आप देख पा रहे होगे, तो ये देखो। बाकी अंदर भी काफ़ी मेन काम वो अंदर हुआ है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब हम अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर एंटर करते हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो भाई वो हम अंदर आ गए हैं, जैसे देखो भैया ने पावर विंडो इंस्टॉल करा रखी है। भैया चारों शीशे में करा दिया अपना पावर विंडो, चारों पे हो रखा है पावर विंडो, तो अभी इसकी फंक्शनिंग भी दिखाऊंगा। और सबसे बढ़िया भैया ने ये भी इंस्टॉल करा रखा है एम्पलीफायर, भैया 4 चैनल का एम्पलीफायर है, 4 चैनल एम्पलीफायर है, और इसके म्यूज़िक का आउटपुट बहुत बढ़िया आ रहा है, तो अभी मैं आपको म्यूज़िक सुनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा। और ये एंड्रॉयड स्क्रीन भैया ने डलवा रखी है, 10 इंच की विद फ्रेम है, तो इसका भी अभी मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया इसका म्यूज़िक का रिस्पॉन्स है। और गाइस सबसे मेन चीज़ सीट कवर आप चेकआउट करो, पहले सीट कवर चेकआउट करो, ये सीट कवर इंस्टॉल करा रखे हैं, बिल्कुल इंटीरियर के साथ मैचिंग, प्रॉपर बकेट फिटिंग हो रखी है, ये देखो बिल्कुल तसल्ली से काम हो रखा है, कोई रिंकल वगैरह नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं आपको पूरे तसल्ली से दिखाता हूँ काम, ये देखो पीछे का भी मैं दिखाता हूँ। और इंटीरियर आप चेकआउट करो, इंटीरियर से मैचिंग है, ये देखो गाड़ी का इंटीरियर उससे मैचिंग करा रखा है। और तो मेन अब मैं आपको पहले पावर विंडो की फंक्शनिंग दिखाता हूँ, ये देखो इंस्टॉल कर रखी है, आरडी की करवा रखी है भैया आपने, आरडी करवा रखी है, तो कंपनी से बंदे आते हैं, बाकी भी भैया से बात करेंगे शॉप के ओनर से। बाकी इसकी मैं फंक्शनिंग दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखो, तो जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है, ये देखो। तो उधर का भी मैं कहता हूँ भैया, थोड़ा आप उधर से भी करके दिखाना, ये देखो आप, तो आगे में भैया आपने करवाया, मतलब सिर्फ आगे में करवाया, बाकी पीछे का भी करवा सकते हो, ऑप्शनल रहता है। बाकी आप ये देखो, ये वही कपलर टू कपलर विद फ्रेम फिटिंग हुई है, जैसे देख रहे हो। बाकी अभी मैं इसका आपको रिस्पॉन्स दिखाने वाला, साउंड किस टाइप का रहने वाला है। भैया स्पीकर आपने कौन कौन से डलवाए इसमें, थोड़ा बता सकते हो आप? JBL के डलवा रखे, बेस ट्यूब भी JBL की है, और चारों स्पीकर JBL के, ठीक। तो अभी इसमें जो है JBL के चारों साइड JBL के स्पीकर डलवा रखे भैया ने, और पीछे भी JBL की बेस ट्यूब डलवा रखी है, तो अभी मैं पूरा आपको आउटपुट सुनवाने वाला हूँ, किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है। तो एक बार भैया थोड़ा म्यूज़िक सुनाना, मैं आपको म्यूज़िक सुनाता हूँ, एक बार रिस्पॉन्स देखना, बहुत ही बढ़िया मतलब साउंड है, क्योंकि मैंने सुना था, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो म्यूजिक अब आवाज बढ़ाते हैं, तो बीट देखो, तो अभी वॉल्यूम फुल भी नहीं हुआ, तो अभी बाहर चलता हूँ। तो देखो बाहर में आ गया हूँ, साउंड देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स है साउंड का, देखो बीट्स कितनी बढ़िया आ रही है, और पीछे बेस ट्यूब डलवा रख, चलते हैं। तो फिर से मंदिर की तरफ आ गए, बंद करना, तो जैसे मैंने आपको सुनाया काफी बढ़िया रिस्पांस है, और पीछे JBL का वूफर, चाहे को आप बेस ट्यूब को आपने शायद देखा होगा, उसका मूवमेंट क्या प्रॉपर मूवमेंट हो रहा था उसका, एक बार मैं आपको फिर से पीछे ले जाके दिखाता हूँ। अगर बाकी ये एम्पलीफायर है जो कि मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आउटपुट आपने देख ही लिया होगा, तो एक बार फिर से मैं आपको लुक चेकआउट करा देता हूँ। ये आप लुक देखो, बहुत ही बढ़िया, जैसे तसल्ली से सीट कवर का यहाँ पे काम हो रखा है, और बाकी म्यूज़िक वगैरह का भी मैंने आपको सुना दिया है। एक बार मैं आपको गाड़ी की 360 डिग्री लुक दिखाता हूँ। तो गाइस ये इसमें इंस्टॉल हो रखा है, JBL का वूफर है,
पीछे, तो जैसे आपने देखा होगा मैंने दिखाने की कोशिश की थी जब म्यूज़िक चल रही थी तो काफ़ी अच्छा इसका बेस था और ये हिल रहा था प्रॉपर, शायद कैमरे में आया होगा तो काफ़ी अच्छे तरह से ये हिल रहा था, उस आउटपुट दिख रहा था उसमें, और बाकी साउंड ऑसम थी, A1 साउंड थी। और बाकी अभी ये कार के ओनर वगैरह से एक बार फिर से चलते बात करते हैं, एक बार मैं आपको गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ कि गाड़ी का क्या लुक रह रहा है। ये देखो नाइट विजन का फ़ायदा, ये भैया ने बैग भी डाला इसमें और ये देखो लाइट जल गई है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आता है। मैं आपको आगे डिस्प्ले दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर विजन आती है अगर आपने मेरे बाकी वीडियोज़ देखे होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेनिफिट दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो जैसे आप देख रहे हो देखो लगभग रात के 8:30 हो रहे हैं और काफ़ी अंधेरा है, पर ये नाइट विजन का कमाल देखो आप, कितना बढ़िया क्लियरिटी पूरा दिखा रहा है, पूरा गाइड कर रहा है, और ये पीछे भैया खड़े इसलिए बीप मार रहा है, तो पूरे प्रॉपर गाइडेंस भी कर रहा है साथ में कि पीछे मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप गाड़ी बैक मत करना, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप ये कैमरा लगवा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नाइट विजन लगाओ। तो गाइस एक बार ये 360 डिग्री लुक चेकआउट करो, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही गाड़ी की, ये DRL से मतलब काफ़ी एनहेंस लुक आ जाती है, ऐसे आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। भैया स्पेशल राजस्थान से आए हैं और काफ़ी हैप्पी भी हैं, तो एक बार फिर से चलेंगे उनके पास। बाकी अब ये लुक देखो गाड़ी की, मैं आपको 360 डिग्री लुक चेक करा रहा हूँ गाड़ी की, तो अब ये लुक देखो गाड़ी की काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है, ये देखो गाड़ी की लुक देखो। तो बाकी पीछे से सिंपल रखा गया है बढ़िया कैमरा, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर एंड्रॉयड लगवा रहे हो तो कैमरा जरूर लगवाओ, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, और नाइट विजन अगर आप ये लगवा रहे हो तो नाइट विजन जरूर लगवाओ, आपको रात में भी इसका बेनिफिट मिलता है। बाकी फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए, एक बार यहाँ पीछे से भी लुक देख लो, ये देखो बाकी इधर हम आते हैं। होने के बाद भैया जैसे गाड़ी का काम मैंने दिखा दिया, आपकी गाड़ी में बढ़िया काम हो रखा है पूरा अच्छे तरह से, आपने मतलब ज़्यादा मोटिवेशन नहीं करा, सिंपल लुक रखा है बाहर से, मेन काम आपका अंदर हुआ है, म्यूज़िक वगैरह का बहुत अच्छा रिस्पांस है मैंने सुना है वैसे, और बाकी सीट कवर बिल्कुल इंटीरियर से मैचिंग करवा दिया, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो फिर से आपसे पूछूंगा भैया, बिल्कुल तसल्ली से काम हुआ है आपका, दिल खुश हो गया सच्चे में, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है? वहाँ से निकलने से पहले मैंने सोचा था कि दिल्ली जाएंगे यार टाइम खराब हो जाएगा, रेट ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन यहाँ के ना सच्चे में दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया। अच्छा, तो मतलब मैंने सोचा कि 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल चल जाएगा और 3-4 हज़ार रुपये का ही फायदा होगा, मैं राजस्थान से करवा लेता हूँ, लेकिन मेरे को फायदा उससे डबल हो गया, मतलब आपके पैसे भी बच गए हैं जी और काम भी बढ़िया मिल गया आपको। तो आप मतलब और किसी को आना रिकमेंड करोगे यहाँ पे? बिल्कुल करूँगा, मैं तो खुद बताना चाहूँगा कि आप दिल्ली आओ, वहाँ से अच्छा, वहाँ पे जो भी माल जाता है पूरा दिल्ली से ही जाता है, तो दिल्ली में तो पैसे भी कम लगते हैं, काम भी अच्छा हो जाता है, तो मतलब यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए किसी को गाड़ी का काम कराने। ठीक है भैया, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कोई शिकायत नहीं, थैंक यू भैया। तो भैया से बात हो गई है, अब कार ओनर के पास, सॉरी शॉप ओनर के पास हम आए हैं, तो भैया तो खुश हो गए आपके काम से। भैया थोड़ा सा मेरे को आप पहले ये बताना, जैसे आपने JBL का पीछे वूफर डाल रखा है, बेस ट्यूब को उसको जो मर्जी कह लो आप, तो रिस्पांस तो अच्छा, उसकी गारंटी वगैरह भैया क्या रहती है? एक साल की उसकी गारंटी है, कंपनी की गारंटी है, हमारे शॉप पे आपको हमारे से मिल जाएंगे, कंपनी जाओगे कंपनी से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो भैया को गारंटी कार्ड भी दे दिया इन्होंने, तो आप मतलब यहाँ से भी ले सकते हो गारंटी, या आप शॉप उधर मतलब कंपनी में जाके ले सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो। अच्छा भैया RD की भी जैसे आपने पावर विंडो डाल रखी है तो मैंने वो भी दिखाया, उसमें भी कोई गारंटी वगैरह दे रहे हैं? उसकी 3 साल की सेंट्रल लॉकिंग की गारंटी है, पावर विंडो की 1 साल की है, और पूरी इंडिया की है, इनकी सर्विस सेंटर जो है RD के मैनुअल दिए उन्होंने, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको, नंबर है इस पे आप फोन करेंगे, आपको घर तक सर्विस मिलती है 3 साल तक सेंट्रल लॉक में। ठीक है, और ये पूरी इंडिया की जो है सर्विस सेंटर के नंबर है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे हो आपकी गाड़ी जहाँ है वहाँ पे आपको पूरी सर्विस मिलती है। अच्छा, मतलब भैया अगर हम मान लो अगर हम भाई दिल्ली में हम, तो दिल्ली से बाहर है हम किसी दूसरे शहर में जी, और कभी गए फैमिली साथ घूम रहे हैं, वहाँ कभी दिक्कत आ जाती है तो वहाँ भी मतलब सर्विस मिलेंगे पूरा।
चलो ये तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। भैया ने मेरे को इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें गिफ्ट की अलग से। तो देखो ये मतलब आप वीडियो से आए हो मेरे तब आपको मिला है। तो भाई वीडियो देखो फटाफट, भैया के पास आओ सब्सक्राइब करके, तो आपको फायदा भी मिलेगा जैसे भैया ने बता दिया आपको। तो भैया थोड़ा बात करते हैं, गाड़ी में खर्चा क्या है? खर्चा आ गया इसमें 38,000 के आसपास। 38,000 के आसपास खर्चा है, मतलब टोटल क्रोम व्रोम सारा काम करके। सिस्टम जो लगा है आपका एंड्रॉइड वाला, बैक कैमरा, 4 स्पीकर लगे हैं JBL के, JBL के बेस बॉक्स लगे हैं, 4 चले एम्पलीफायर लगा है, सेंटर लॉक लगा है, पावर विंडो लगे हैं, बाकी रेन वायर, DRL लाइट्स और भी छोटे मोटे सामान काम हुए हैं इसके अंदर, एंटीना वगैरह जो लगा है सब। ये एक एम्पलीफायर जो लगा रखा है तो उसकी वजह से शायद आउटपुट बहुत बढ़िया आ रहा है, जी, तो उसमें भी कुछ वारंटी वगैरह मिल रही है? एक साल की वारंटी। अच्छा, उसमें भी है। तो मतलब टोटली अगर आप यहाँ पे कोई भी आता है उसको सारा जेन्युइन कंपनी का माल मिलेगा, सारा सारा, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जैसा उनका बजट होता है कस्टमर को, हिसाब से हम चीज रिकमेंड करते हैं, उसके बजट में आना चाहिए, उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है भैया। और सीट कवर भी जैसे मैं दिखा दिया आपने, इंटीरियर से मैचिंग बना दी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा है इसके अंदर। फुल बकेट फिटिंग सीट कवर है, नापा के अंदर भी हमने लेमिनेशन करके लगाया है इसको। अच्छा, लेमिनेट लेदर है ये, कभी नापा में कभी गर्मी वर्मी का शिकायत इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। तो भैया एक बार ये देख लो शॉप, ये डिजिटल कार श्रृंगार यहाँ पे हमारे रखे हैं, तो पूरा एक बार देख लो, ए टू लेके जेड तक गाड़ी का सारा काम हो जाता है। तो एक बार ये कार्ड भी देख लो, ये डिजिटल कार श्रृंगार शॉप का नाम है, ये धर्मिंदर भैया यहाँ पे मिलेंगे। तो बाकी वहीं भैया 11 बजे शॉप ओपन होती है अपनी, 11 बजे के बाद आप जब मर्जी आओ, 8:30 तक यहीं पे अभी भैया मिलेंगे, मंडे को ऑफ रहता है जी। बाकी ये नंबर है एक बार फिर से देख लो आप कार्ड, इनको कॉल कर लो, अगर आपके कुछ पूछना है तो आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। अगर भैया कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो कॉल करके एक बार आइए, प्लीज़ एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि भैया मैं आ रहा हूँ, उस हिसाब से मैं हम पार्किंग और लड़के वगैरह को बना के रखते हैं। ठीक है, गाड़ी आना है, काम होना है। ठीक है सर, एक बार हो सके तो कॉल कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, फिर मैं लोकेशन वगैरह भी सेंड कर दूंगा आपको, ईजी आप आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको कॉल करेगा तो पूरी गाइडेंस मिल जाएगी उनको। तो ठीक है, तो एक बार जैसे मैंने आपको दिखा दिया, तो भैया मिलेंगे आपको डिजिटल कार श्रृंगार आ रखे हम, बाकी कार्ड मैंने भी दिखा दिया है, बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, तो आप कहीं से भी लेके इनको कॉल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी भैया सॉल्व कर देंगे। तो भाइयों ये था टियागो की मोटिवेशन पे वीडियो, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो कस्टमर भी काफ़ी खुश होकर गया है कि उम्मीद से भी ज़्यादा काम हो गया है, और रेट भी कह रहे हैं मार्केट से सबसे बढ़िया रेट इनको यहाँ पर मिला है, और भैया पूरा कस्टमर का ध्यान रखते हैं, पूरी गाइडेंस करते हैं, इंटीरियर से मैचिंग सीट कवर वगैरह ए टू लेकर जेड तक बढ़िया काम यहाँ पर मिल जाता है। तो आप एक बार अगर आप गाड़ी का काम कराने का सोच रहे हो तो एक बार यहाँ जरूर आना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो भैया से फ़ोन करके, या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेरे से भी वहाँ पे बात करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।